दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये एक पोएम है, बहुत ही फेमस एलेजी है। इस पोएम को लिखा गया था 1750 में, इसको कंप्लीट किया गया था और 1751 में इसको पब्लिश करवाया था थॉमस ग्रे ने। दोस्तों यहाँ पे टाइटल में चर्चयार्ड वर्ड जो है इसका मतलब है चर्च का कब्रिस्तान, जहाँ पे मुर्दों की कब्रों को दफनाया जाता है। आपने देखा होगा चर्च का कब्रिस्तान कैसा होता है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए रिचर्ड वेस्ट इंस्पिरेशन थे थॉमस ग्रे की, और ये एक बहुत ही फेमस पोएम है। आज हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वैसे दोस्तों ये एक बहुत ही लंबी पोएम है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको मैं तीन वीडियोस में कवर करूँगा। फिलहाल के लिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं इन नटशेल आपको बताता हूँ कि इस पोएम में आखिर है क्या। इस पोएम में क्या होता है, पॉइट एक चर्चयार्ड में जाता है, सूरज ढलने का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, तो वो आसपास की अपनी कब्रों को देखने लगा। वो कब्रें बहुत ही सिंपल सी लग रही थी, इनमें से एक भी कब्र को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि इनमें से एक भी कब्र में किसी बड़े आदमी को दफनाया गया होगा, पैसे वाले आदमी को दफनाया गया होगा, मतलब सारी कब्रों में गरीब किसान ही थे। तो फिर वो इन कब्रों को देख करके कहता है, इंडिकेट करता है कि एक दिन सबको मरना है, खुद स्पीकर को भी मरना है, पॉइट को भी मरना है। लेकिन यहाँ पर पॉइट बोलता है कि उसे उम्मीद है एक दिन फ्यूचर में ज़रूर कोई अनजान आदमी मेरी कब्र के पास आकर ऐसे ही बैठेगा जैसे मैं आज इन कब्रों के पास बैठा हुआ हूँ, और वो गांव वालों से पूछेगा कि कौन था ये आदमी, और वो गांव वाले इशारा करेंगे मेरी कब्र पर लिखी हुई लाइनों की तरफ, और वो उन लाइनों को पढ़ेगा। अब दोस्तों मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि इस पोएम में क्या है, अब हम आज की इस वीडियो में इस पोएम के 10 स्टैंजास को कवर करेंगे। अब हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। दोस्तों यहाँ पे कर्फ्यू का मतलब है घंटी, बेल, टोल्स का मतलब जो बजती है, और साइन देती है इस बात का कि दिन खत्म हो गया है। पार्टिंग डे का मतलब दिन खत्म हो गया है, और नेल का मतलब वो बेल जो किसी के मरने पर बजाई जाती है चर्च में। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है, चिल्लाने वाली गायों का झुंड हल्की हल्की चल रही हवा में घास के मैदान की तरफ जा रहा है। लोइंग का मतलब गाय चिल्ला रही है, और हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड, ये गायों का झुंड। वाइंड स्लोली का मतलब हल्की हवा चल रही है, और ये ली का मतलब है घास का मैदान। द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वियरी वे। यहाँ दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है, किसान जो अपने घर की तरफ जाता है अपने थके हुए कदमों से, दिन भर मेहनत करके अपने घर की तरफ जाता है रास्ते से। प्लोमैन का मतलब यहाँ पे है हल चलाने वाला, यानी कि किसान। होमवर्ड मतलब घर की तरफ, और वियरी का मतलब थके हुए, प्लॉट्स का मतलब पैरों से, थके हुए पैरों से। वो अपने घर की तरफ जा रहा है, और आगे बोलते हैं एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और उसके जाते जाते उसके पीछे से इस वर्ल्ड में डार्कनेस छूटती जा रही है, पॉइट खुद भी उस डार्कनेस में है। कहने का मतलब यह है कि उसके जाते वक्त दिन ढल रहा है और डार्कनेस आ रही है चारों तरफ, शाम का टाइम है। आगे दूसरे स्टैंजा में पॉइंट बोलते हैं, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। वो ग्लिमरिंग लैंडस्केप जो है, जो चमक रहा है, कुछ देर पहले तक सूरज की रोशनी में जो लैंडस्केप चमक रहा था वो पॉइट की आंखों के सामने फेड हो रहा है क्योंकि सूरज ढल रहा है। एंड ऑल द एयर, और हवा में चारों तरफ सॉलम गंभीर, स्टिलनेस शांति होल्ड्स छाई हुई है, और हवा में चारों तरफ गंभीर शांति छाई हुई है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। सेव मतलब को छोड़कर, मतलब एक चीज है उस चीज को छोड़कर, किसको छोड़कर, बीटल को। बीटल यानी एक टाइप का इंसेक्ट होता है दोस्तों, एक टाइप का कीड़ा जो उड़ रहा है और उससे आवाज़ हो रही है इस शांत माहौल में, उससे आवाज़ हो रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल्स द डिस्टेंट फॉल्ट्स। ड्राउजी मतलब थके हुए। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि थके हुए जानवरों के गले में जो घंटियाँ बंधी हुई है, वो घंटियाँ बज रही है जब वो जानवर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे टिंकलिंग का मतलब है खनक की आवाज़, मतलब घंटियों की बजने की आवाज़ आ रही है। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। सेव दैट मतलब इसके अलावा भी एक और चीज़ है, फ्रॉम यॉन्डर, वो इशारा करते हुए बता रहा है कि वहाँ आईवी मेंटल चर्च टावर से। द मूपिंग आउल,
एक उदास उल्लू, मूपिंग मतलब चिल्ला रहा है, जो डज टू द मून कंप्लेन, और मून को कंप्लेन कर रहा है, ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, मतलब कोई आउटसाइडर, बाहर का आदमी यहाँ घूम रहा है, वॉन्डरिंग। नियर टू हर सीक्रेट बावर का मतलब है उस उल्लू की कोई प्राइवेट जगह है, यहाँ पे रहने वाली प्राइवेट जगह है, उसके आसपास ये आउटसाइडर घूम रहा है। मॉलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, और उसके अकेलेपन को तंग कर रहा है, यहाँ आकर उसकी शांति को डिस्टर्ब कर रहा है, उस उल्लू की शांति को। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे आउटसाइडर स्पीकर ने खुद को बोला है, क्योंकि वो इस चर्च में नया है, तो इस पॉइंट के यहाँ पे चर्च में घूमने से उस उल्लू को परेशानी है, क्योंकि पॉइंट उसके अकेलेपन को तंग कर रहा है, तो वो उल्लू चिल्ला रहा है। आगे चौथे स्टेंजा में पॉइंट बोलता है, बीनीथ दोज रगड एल्म्स, इन खुरदरे एल्म ट्रीज के नीचे, एल्म ट्रीज पेड़ होते हैं एक टाइप के, और रगड़ का मतलब है यहाँ पे खुरदरे, दैट यू ट्री शेड, और हमेशा हरे रहने वाले पेड़ों की छाँव के नीचे, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मॉल्डरिंग हीप, कब्रे बनी हुई है जहाँ पर घास उगी हुई है, ईच इन हिज नैरो सेल, तो हर कोई अपनी इस छोटी सी कब्र में, छोटी सी कोठरी की तरह कब्र में लेटा हुआ है। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। द रूट फॉर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, दोस्तों यहाँ पे रूट का मतलब है सादे सीधे, सिंपल लोग, फॉर फादर का मतलब पूर्वज, और ये किसी छोटे से गांव से हैं, हैमलेट से हैं, तो कोई फेमस आदमी नहीं है इन कब्रों के अंदर, यहाँ पर जो भी लोग सो रहे हैं वो सीधे सादे सिंपल से लोग हैं, पूर्वज हैं, जो किसी छोटे से गाँव से हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, हवा चलती है सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पर, जो बहुत ही खुशबूदार है। द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रू बेल्ट शेड, दोस्तों यहाँ पे स्वैलो ट्विटरिंग का मतलब बर्ड्स, स्वैलो का मतलब बर्ड्स चहचहाते हैं, ट्विटरिंग का मतलब चहचहाना, अपने घास के बने घोंसलों में, श्रू बेल्ट शेड का मतलब अपने घास के बने घोंसलों में। द कॉक श्रिल क्लैरियन और द एकोइंग हॉर्न, कॉक श्रिल क्लैरियन का मतलब यहाँ पे मुर्गे की बांग, मतलब मुर्गे चिल्लाते हैं अपनी तेज आवाज में, या फिर कोई गूंजता हुआ हॉर्न हो जैसे, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लॉली बेड, ऐसी कोई भी चीज इन्हें इनके बिस्तरों से उठा नहीं सकती, मतलब मुर्गे या तो बांग दें या फिर कोई गूंजता हुआ हॉर्न भी हो, वो भी इन्हें इनके बेड से, जो बिस्तरों में ये सो रहे हैं, जिन बिस्तरों में, कब्रों में ये सो रहे हैं, तो ये मुर्गे की बांग इनको उठा नहीं सकती उन कब्रों से। आगे पार्ट बोलते हैं, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, मतलब अब इन लोगों के लिए किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। दोस्तों ब्लेजिंग हार्ट का मतलब चूल्हा नहीं जलेगा, हार्ट का मतलब होता है चूल्हा। और बिजी हाउसवाइफ प्लाय देयर इवनिंग केयर, और कोई बिजी हाउसवाइफ इनके लिए शाम के समय तैयारियां नहीं करेगी, इनके लिए केयर नहीं करेगी। और नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, या फिर कोई बच्चा इनके वापस घर लौटने पर इनके पास भागता हुआ नहीं आएगा, अपने फादर के वापस घर लौटने पर उसके पास भागता हुआ नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे सायर का मतलब होता है फादर या बाप। और क्लाइम हिज नीज द इनविट किस टू शेयर, या फिर वो बच्चे इनके घुटनों को पकड़कर ऊपर इनकी गोद में चढ़ने की कोशिश करें, और जब उन बच्चों के फादर एक बच्चे को किस करें और दूसरा बच्चा नाराज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये लोग मर चुके हैं। ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, इसका मतलब अक्सर वो किसान अपनी फसलों को झुककर सिकल से काटते थे, सिकल एक टाइप का औजार होता है। देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, मतलब वो अपने हल से, हल जो खेती करने के लिए काम में आता है, उससे वो कठोर जमीन को तोड़ते थे और एक लाइन सी बन जाती थी। How jocund did they drive their team afield? हाँ दोस्तों jocund का मतलब खुश रहते थे, अपनी पूरी टीम के साथ वापस अपने घर लौटते थे तब। How about the woods beneath their sturdy stroke? और वो किस तरह से अपनी कुल्हाड़ी से एक तगड़ा sturdy stroke देकर पेड़ों को गिरा देते थे, तो कितनी कड़ी मेहनत करते थे वो किसान। Let not ambition mock their useful toil, यहाँ पे दोस्तों
थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि एम्बिशियस लोगों को उन गरीब हार्ड वर्किंग किसानों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनके यूज़फुल टॉयल का, उनके हार्ड वर्क का। एम्बिशन का मतलब एम्बिशियस लोगों को, दे होमली जॉयज, उनके घरों का सुख, देयर डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, या फिर उनकी डेस्टिनी का जिसमें हार्ड वर्क करना लिखा है। नॉर ग्रैंडियर हेयर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, ग्रैंडियर का मतलब दोस्तों यहाँ पे शोहरत। तो अमीर दौलत शोहरत वालों को, इनको देखकर या सुनकर डिस्डेनफुल का मतलब इतनी नफरत वाली हंसी नहीं हंसनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, गरीब की ज़िंदगी के तो शॉर्ट और सिंपल एनाल्स ही होते हैं। एनाल्स का मतलब कहानियाँ, किस्से। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब अपनी अमीरी की डिंगे हाँकने वाले। द पॉम्प ऑफ पावर, और अपनी पावर की धूमधाम दिखाने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ये सब तरह की ब्यूटी, एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और ये जो सारी वेल्थ उनको मिली है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, क्योंकि मौत तो एक तय घंटे पर इंतज़ार कर रही है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, और ये जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी हैं ये सबको ग्रेव तक ले जाते हैं, मतलब कब्र तक ले जाते हैं। नॉर यू ई प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, नॉर यू, तुमको यानी कि अमीरों को, यी प्राउड, इतना प्राउड होकर इन लोगों को इस फॉल्ट के लिए दोष नहीं देना चाहिए। इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, कि अगर इनकी याद में, इन गरीबों की याद में किसी ने इनकी कब्र पर कोई ट्रॉफीज नहीं लगाई, मतलब एक तरह से इनकी कब्र पर कोई नक्काशी नहीं की। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्राउन आइल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, लाइन का मतलब है यहाँ पर उन्हें चर्च के बगल में दफना दिया गया और उनकी कब्र पर कोई नक्काशी नहीं की गई। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, और ना ही पीलिंग एंथम गाकर उनका सम्मान किया गया।